जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी YouTube के ऊपर एक फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जहां पे टेक्स्ट होता है, म्यूज़िक होता है और पीछे एक वीडियो चल रही होती है, और उन वीडियोस के ऊपर भी हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं, मतलब वहां से भी अच्छा खासा कमाया जाता है। अगर आप लोग भी एक ऐसा ही फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं, मगर इशू क्या है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं कंटेंट कहाँ से लूँगा, उसके लिए चैट जीपीटी एक बेहतरीन टूल है, जहाँ से आकर आप किसी भी किस्म का कोई भी कंटेंट ले सकते हैं। और फिर आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपने कॉन्टेंट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब ये तमाम काम कैसे होने वाला है, हम इसी पर बात करने वाले हैं। और इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए दो वीडियोस दे चुका हूँ कि आप लोगों ने चैट जीपीटी के ऊपर कैसे काम करना है। उसके लिए मेरा आप एक ये डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग ब्लॉगिंग पे काम करना चाहते हैं चैट जीपीटी की मदद से, तो उसके लिए आप मेरा ये दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस वक्त में मैं चैट जीपीटी के ऊपर हूँ और मैं यहाँ पे आकर सिंपल लिखता हूँ टॉप 10 कंट्रीज, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फूड, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लंबे सेंटेंसेस लिखूँ। चैट जीपीटी बहुत स्मार्ट है और हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इसने आपके लिए कंटेंट रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप लोग अपने इस कंटेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं कि ये कंटेंट तो बहुत कम है, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए, आप जस्ट यहाँ पे आकर प्लीज़ एक्सपेंड लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके लिए दोबारा से कंटेंट जो है बनाना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप लोग कहते हो कि नहीं, मेरे पास में यही कंटेंट सबसे बेहतरीन है, तो अब आप लोगों के पास में एक और वेबसाइट ओपन होनी चाहिए जो है app.pictory.ai, इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ पे आकर आप लोग सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में ये चार ऑप्शंस हैं, आपने इसमें से ये सबसे पहले वाला स्क्रिप्ट टू वीडियो के ऊपर आना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आकर आप अपनी वीडियो का नेम देते हैं कि आपकी वीडियो किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ टॉप 10 कंट्रीज। उसके बाद में हम चैट जीपीटी पे आएंगे, यहाँ से आकर हम अपने कंटेंट को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं और लाकर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसी तरीकाकार से आप अपने तमाम कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर नीचे आए तो ये आपसे पूछते हैं कि क्या आपने इसके स्पेलिंग चेक किए हैं, आप येस पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, आप सिंपल प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमें यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स देता है कि आप यहाँ से किस टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं, मतलब कि आप यहाँ से जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे आपका वीडियो उसी मुताबिक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये टेम्पलेट पसंद आता है, मैं सिंपल सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये आपसे पूछता है कि आपकी वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपने कौन सा रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस किस्म की वीडियो चाहते हैं। मुझे यहाँ पे 16:9 चाहिए और मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रोसेसिंग में ये कुछ ही टाइम लेगा और फ़ौरन से आप लोगों को वीडियो रेडी करके दे देगा। आपकी जो वीडियो है 100% प्रोसेस हो चुकी है। अब यहाँ पे इसने आपको स्लाइड्स में आपका तमाम कंटेंट दे दिया, आप किसी भी स्लाइड के ऊपर आकर क्लिक करते हैं और यहाँ से आकर आप अपना व्यू चेक कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे इस पिक्चर को खुद से चेंज भी कर सकते हैं, और जो यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आता है इस टेक्स्ट को भी आप यहाँ से कलरफुल कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी का यहाँ पे आप ला सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आकर आप अपनी मर्जी का ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें इन्होंने खुद से ऑडियो डाला हुआ भी है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक प्रीव्यू का ऑप्शन और आता है, हम दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। वीडियो को डाउनलोड करने से पहले हम इसका एक मरतबा प्रीव्यू करेंगे, सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि हमारी वीडियो किस तरह की बनी है। तो आपने देखा कि हमारे पास में एक बेहतरीन किस्म का वीडियो रेडी हो चुका है। अब या तो आप इस वीडियो को जनरेट पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कहते हो कि यार मेरे पास में जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं वॉइस ओवर करना चाहता हूँ किसी भी एआई वेबसाइट के जरिए, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपने टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में freetts.com एक वेबसाइट है, यहाँ पे आकर आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके बाद में आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, कन्वर्ट टू MP3 करते हैं, डाउनलोड टू MP3 करते हैं, और फिर अपने वॉइस ओवर को भी आप लोग pictory.com के ऊपर आकर ऑडियो में आकर ऐड कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि जहाँ पे थाईलैंड लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे पीछे से वॉइस ओवर भी होगा, जिससे आपकी वीडियो कुछ और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो इस मुख्तसर से तरीकाकार से आप अपने लिए बेशुमार वीडियोज बना सकते हैं और फिर अपने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या जहाँ जहाँ पर भी आप चाहते हैं उसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट मैं इस तरह की एक और वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।